और इस वक्त एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार अब इससे हलचल भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया सियासी पैंतरा चला है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को AICC का महासचिव बनाया है। उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही KC वेणुगोपाल कांग्रेस संगठन के प्रभारी होंगे, तो ये फेरबदल देखने को मिले हैं। और प्रियंका गांधी को कुल मिलाकर इस बीच नई जिम्मेदारी दे दी गई है और औपचारिक तौर पर ऑफिशियली यानी कि एंट्री जो है प्रियंका गांधी की अब राजनीति में हो चुकी है। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी इनकार करती भी कई बार नजर आई कि वो राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन अब एंट्री हो चुकी है। प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है, इसमें लोगों को देखिए अभी ठीक है। मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल देखिए भैया सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अब देखिए मैंने भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, और जहाँ भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, हम करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है, और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। और आखिरी बात मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो
बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर वन प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी किसी जात किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को देखा है, किस प्रकार आपके प्रदेश को नष्ट किया गया है, आपने भ्रष्टाचार देखा है, हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि इससे चेंजेस जरूर आएंगे और युवा अगर बदलाव चाहते हैं तो वो सपोर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त आपको पहले ये सुना दें कि इस सब के बाद जब जिम्मेदारी यहां पर दी गई है प्रियंका गांधी को, तो मोतीलाल वोरा की क्या प्रतिक्रिया इस पर आई है। प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है, इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। तो वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में आने पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की माने तो राहुल फेल हो गए हैं और पार्टी सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ही परिवार में सब नियुक्ति होती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसका आज सार्वजनिक अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो संबित पात्रा को आपने सुना और ये संबित पात्रा, ये प्रतिक्रिया जो है बीजेपी की तरफ से सामने निकल के आई, उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये तो रहा है कांग्रेस में परिवारवाद की बात हमेशा से रही है, यानी कि कांग्रेस में हमेशा से रहा है कि जो परिवार है वही पार्टी है, जबकि बीजेपी इसे फॉलो नहीं करती है, बीजेपी में हमेशा से पार्टी परिवार रहा है। और ये भी कहा संबित पात्रा ने कि राहुल गांधी जो है वो फेल हो गए हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि राहुल गांधी पूरी तरीके से जिम्मेदारियां भी अपनी नहीं निभा पा रहे हैं और फेल हैं वो उस फ्रंट पर। तो ये बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि खास फर्क नहीं पड़ने वाला है चाहे प्रियंका गांधी यहां पर आ गई हो, उससे पहले ये भी कहा गया कि जिम्मेदारी पहले भी प्रियंका गांधी को दी गई, लेकिन ऐसा कोई खास असर देखने को नहीं मिला और खास अभी भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन संपूर्ण देश भर में मैं उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक नई शुरुआत होगी जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। देखिए, बहुत लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी जी ऑफिशियली और संगठन में मेहनत कर काम करें, लेकिन हमेशा ये कहा जाता था और बात सही भी थी कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, प्रियंका जी को अपॉइंटमेंट किया है, उनका जनरल सेक्रेटरी बनाया है। संगठन को अच्छी तरह समझती हैं, अनेकों चुनावों में उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत उनका एक संपर्क भी है,
तो इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और प्रियंका जी के महासचिव बनने से मैं समझता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें ज़रूर खतरे की घंटी बज रही होगी और स्वाभाविक है क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और उनके काम करने का तरीका अलग है और राहुल जी को बहुत ताकत देंगी ऐसा मैं मानता हूँ। वो समय आने में निर्णय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संगठन की तरफ से जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसे लेकर पूरे देश भर में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और जैसा मैंने कहा कि पहले प्रियंका जी ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी पर्दे के पीछे से, सोनिया गांधी जी के चुनावों में राहुल जी की बहुत मदद करी है, लेकिन आज एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो उनका हुआ है उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी और तमाम जो विपक्ष के दल थे उन लोगों को अब बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मिलकर काम करेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस और यूपीए की जीत तय है। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो नैतिकता खो चुकी है जहां वो किसान की बात भी कर सके। कांग्रेस तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नई ऊर्जा कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया उससे आएगी कांग्रेस पार्टी में। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद पांडे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी वासुदेव वाराणसी से जुड़ चुके हैं, साथ ही अवधेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है यहां पर प्रियंका गांधी को, लगातार ये बात कही गई थी, बार बार उठ रही थी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, तब कद्दावर नेताओं की तरफ से बयान सामने निकल के आते थे कि सही समय पर फैसला लिया जाएगा, तो क्या ये सही समय वही है जो अब फैसला लिया गया है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और राहुल जी को, विशेषकर आदरणीय राहुल जी को का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने के जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड एक लंबे समय से चली आ रही थी और लंबे समय से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं, उत्साह का नया संचार सृजित कर रहे हैं, संचार हो रहा है। और ये जैसे ही ये प्रियंका गांधी जी का नाम समाचार चैनलों पर आना शुरू हुआ, ठीक उसी समय पे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़नी शुरू हो गई हैं, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि राहुल गांधी का फेलियर ये है और सही समय पर फैसला राहुल, उनकी नजर में हमेशा बौखलाहट आदमी की मनोदशा को प्रदर्शित करता है, मन स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा जी की आवाज आ रही थी आपके चैनल के माध्यम से, बात संबित पात्रा जी को तो मैं गंभीरता से लेता ही नहीं, अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के बीच में जनसभा में संबोधित करते हुए कह रहे थे कि तमाम दलों का एकीकरण हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है एकीकरण, अगर किसी विचारधारा के तहत अगर एकीकरण हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट क्यों? कहीं ना कहीं से डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। आज नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में साफ हो रहे हैं, गुजरात से खत्म हो रहे हैं, राजस्थान से साफ हो रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो उनका कुछ भी नहीं रह जाएगा, पंजाब में पहले से नहीं थे, हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों की बात कर रहा हूं, जब वो खत्म होते नजर आ रहे हैं, उनकी संख्या दिन पे दिन घटती नजर आ रही है, तो ये बौखलाहट इसी का नतीजा है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश भी जुड़े हुए हैं। अवधेश, जैसे से लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने आपसे पहले सुनी थी, कहीं ना कहीं सपोर्टिव ज्यादा बीजेपी की तरफ से नजर आ रहे थे, अभी जैसा कि ये बात सामने आ रही है कि नीतियों में बदलाव हुआ और चेहरे का जब बदलाव अब किया गया है तो क्या आगे निकल के आएगा? ऐसे में सीधे तौर पर अब अगर कहा जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी को बागडोर दी गई है और लगातार ये मांग की जा रही थी और एक अच्छी रणनीतिकार भी वो मानी जाती है, तो क्या इसे सीधे तौर पर अभी हम कांग्रेस का ट्रंप कार्ड कह सकते हैं? चले, कुछ तकनीकी खराबी अवधेश के पास, हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन वासुदेव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासुदेव, यहां पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी को अब औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कितना इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर जब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सपा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाकई में कितना इम्पैक्टफुल ये होगा? देखिए, वाकई में कितना इम्पैक्ट होगा या लोग क्या सोचते हैं ये लोगों के जरिए ही तस्वीर साफ हो सकती है। इसलिए बनारस में हम
कुछ लोगों के साथ में है और ये वो जगह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे कहीं नहीं खेलने वाली। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर देखिए मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूं। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल देखिए भैया सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अब देखिए, अब सुनिए मैंने भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट। तो फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेलेगी, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं और बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं, अखिलेश और मायावती दोनों का सम्मान है और आगे अगर बातचीत वो करना चाहते हैं तो बातचीत भी हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं लगातार। सर, अगर मैं डॉक्टर प्रमोद जी आपके पास ही आना चाहूं, और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि मायावती जी का सम्मान है, अखिलेश जी का सम्मान है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो क्लियर भी कर रहे हैं कि अगर बातचीत करना चाहते तो ये कहा जा सकता है महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है अगर बातचीत हो आगे तो? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बातचीत का स्वागत होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुक्म होगा, उनका हम सब लोगों के लिए सराखों पर होगा, लेकिन यहाँ बेखौफ नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। अभी जैसा कि आप कह रहे थे कि राहुल गांधी की नाकामी है, आप लोग अभी चैनल पर किसी ने कहा, ये नाकामी नहीं, प्रियंका जी का आगमन जिस ढंग से हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जिस ढंग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी को दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि ये फर्म डिसीजन, ये कड़ा डिसीजन लिया, निर्णय लिया है, और ये बेखौफ होकर, बेखौफ जिसको कहते हैं कि बीजेपी के सामने से किसी तरह के उनके विरोध से कहीं झुकने वाले नहीं, किसी तरह से दबने वाले नहीं, और यह चट्टान की तरह राहुल गांधी का व्यक्तित्व आज उभर कर सामने आया है। लगातार इस परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते रहे हैं और राहुल गांधी ने सीना खोलकर सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि लगा लो, जितना आरोप लगाना हो लगा लो, अब तो हम पूरे परिवार के साथ सड़क पर खड़े हैं। यह उनके बेखौफ होने का परिणाम है, यह उनके बेखौफ होने को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेखौफ है। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा, डॉक्टर प्रमोद कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी बेखौफ हैं और पहले ये सपा की तरफ से कहा गया था कि अगर कांग्रेस चाहे तो सामने से बात करेगी तो महागठबंधन पर बात होगी और बार बार ये बातें भी सामने आ रही थी कि बातचीत चल रही है। अब राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं इस फैसले के बाद यहाँ पर कि अगर बातचीत होती है सामने से तो स्वागत होगा, यानी कि वो भी शामिल हो सकते हैं महागठबंधन में। आ,
बिल्कुल शिल्पा, देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है कि मैं आपका अपना सवाल तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन यह है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ से जरूर है और उन प्रतिक्रियाओं को हम जानेंगे, लेकिन यज्ञ मंडप सजे हुए हैं, कथाएं हो रही हैं, उन चीजों के बीच आपका सवाल नहीं सुना, लेकिन ये बताइए कि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको लगता है बदलाव होगा, असर पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा है ना, नीयत के साथ साथ नीति के साथ साथ नीयत भी ठीक होना चाहिए, तो हमारे समझ से सर प्रियंका गांधी को उनका चेहरा बदल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, उनका तो ऐसा माना जाता है कि उनके चेहरे देख के वोट नहीं देता, हम लोग मोदी से प्यार करते हैं तो उनके चेहरे से नहीं सर, उनकी नीति और नीयत दोनों अच्छे हैं। ठीक है, ये बताइए कि अगर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी जो मिल रही है पूरी उत्तर प्रदेश की, अब मेन स्ट्रीम राजनीति में आ रही है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? हमारे देखिए, हम तो जो है हम तो सिर्फ जो है मोदी जी को जानते हैं, हमारा जो भी वोट है, हमारे परिवार का वोट है, वो मोदी जी को जाएगा, जो राष्ट्र के हित के बारे में जो सोचता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जाए, ये कांग्रेस के अंदर भी बात चल रही थी और बाहर भी जो लोग कांग्रेस समर्थक चाहते थे, आपको लगता है कि जिस तरीके से उनका ओरा है जनता के बीच, थोड़ा डैमेज बीजेपी को होगा? नहीं, इससे कोई बीजेपी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना है, प्रियंका गांधी का फोटो दिखाने से उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है भाई, कि 40 वर्षों में क्या किया, वो तो 10 साल पहले से प्रियंका गांधी को ये प्रभार मिल रहा है, प्रियंका गांधी को वो प्रभार मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो बीजेपी ने जो काम किया इधर उसका कोई जवाब नहीं है जी, जो 40 वर्षों तक नहीं हुआ, और ये जब जो गठबंधन जो हुआ है ये आपका ठग बंधन है। चलिए, तो महागठबंधन को बता रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, लोग ये तक कह रहे हैं कि हम नहीं जानते बाकी किसी पार्टी को। वासुदेव हमारे साथ लगातार बने हुए, वासुदेव लोगों की प्रतिक्रियाएं जो निकल के आ रही हैं प्रयाग में, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ठगबंधन है और हम नहीं जानते किसी और को, नीतियां साफ होनी चाहिए, तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन वाराणसी की अगर बात करी जाए तो यहां लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं, और प्रियंका गांधी एक नया चेहरा सीधे तौर पर जो लाने की बात लगातार कही जा रही थी कार्यकर्ताओं के जरिए, वो कितना जान यहां पर फूकेगी, आगे आने वाली दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये होगा, लोगों से जानिएगा। सीधा काशी में लोगों से बात करते हैं, जिस तरीके से काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र भी है, देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा अवेयर जो यूपी कहा जाता है उसमें भी सबसे ज्यादा अवेयर काशी कही जाती है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है पूरी उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ तस्वीर बदल पाएगी, कांग्रेस के कुछ अच्छे दिन आएंगे प्रियंका के सहारे? सर, इसमें एकदम मुझे दो राय नहीं है कि तस्वीर बदलेगी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके आने के बाद से जो बदल रही है और बदलेगी, और प्रियंका जी के आने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका बहुत सीधा सा वजह है कि आज आप एक बैग आप प्रियंका का चेहरा सामने ला रहे हैं, आपको कम से कम 6 महीना दिखाना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। आज लगभग देखा जाए तो 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन उस राज में कितने घोटाले हुए हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो संसदीय क्षेत्र बनारस है उसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी एक जो चीजें हैं आतंकवाद, जो पूरा विश्व से जूझ रहा है, उन्होंने लगभग उस पे लगाम लगा लिया है। कोई ये बताइए लेकिन प्रियंका गांधी तो अभी नई है राजनीति में, नए तरीके से अब आई हैं, ये कहा जाता है कि उनमें इंदिरा गांधी की तस्वीर लोगों को नजर आती है, लोग कहते हैं कि प्रियंका आएंगी तो जादू होगा, तो जादू अब नहीं होगा क्या? जादू तो होगा, तब लोग कह रहे हैं इतने समय से। देखिए सर, ऑटोमेटिकली जादू कभी नहीं होता है, ठीक है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, सब में टाइम लगता है, नो डाउट। प्रियंका गांधी एक अच्छी नेता हैं, यंग हैं, लेकिन जो अभी सर ने बोली बात की, टाइम चाहिए होता है हर चीज़ को, इमिडिएटली इलेक्शन के 3-4 महीने पहले लाने से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक बनारस कंस्टिट्यूएंसी की बात है, बनारस कंस्टिट्यूएंसी पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा सेंट्रल यूपी है, जो लखनऊ का बेल्ट है, उस बेल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। शी इज नो डाउट अ गुड लीडर। चले, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि अच्छी लीडर हैं, लेकिन समय और टाइमिंग को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा पहले उतारना चाहिए।